वैभव पचवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वैभव, आज ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? अभी जो सूबे के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के विधानसभा सत्र के बाद आते हैं पहुंचने। सुबह पहुंचते ही उन्होंने सचिवालय के थिएटर में एक प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने ये पीसी की है, जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे गठबंधन पर यहाँ पर बातचीत कही। उन्होंने कहा है कि क्या नेशनल क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजन का नीतियों का समर्थन कांग्रेस करती है या नहीं। 370 जैसी जो धाराएं हैं वो जो मोदी सरकार उसके द्वारा यहाँ पर हटाई गई हैं, और जो विकास कार्य जम्मू कश्मीर में हुए हैं वो भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में यहाँ पर हुए हैं। भाजपा की जो केंद्र सरकार मोदी सरकार है उन्होंने यहाँ पर कार्यकाल में अपने ऐसी चीजें की है जिससे जो जम्मू कश्मीर है वो आज थोड़ा सा उभर कर और विकास के कार्यों में आगे बढ़कर यहाँ पर आया है। लेकिन कांग्रेस है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लोकल स्टेट पार्टियां हैं उनको वहां पर सपोर्ट यहाँ पर समर्थन यहाँ पर दे रही है। जो इसके लिए जो राहुल गांधी है कांग्रेस के जो वरिष्ठ और जो बड़े नेता है उनको यहाँ पर उन्हें जवाब देना होगा। वहीं बात करेगा विधानसभा सत्र की, तो 3 दिन का विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है। अनुपूरक जो बजट है वो जो सदन में यहाँ पे पास हो चुका है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के विधायक है हरीश धामी, उन्होंने भी जमकर अपनी सरकार को यहाँ पर आड़े हाथों ले आया, क्योंकि आपदा के मुद्दे पर उनको बोलने का मौका यहाँ पर नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजपाल आर्य को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करा है। बात करेगा मौसम की, तो मौसम अभी और थोड़ा और तरसाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो बारिश है लगातार बारिश यहाँ पर होती जा रही है, और जो पहाड़ के जो जो रास्ते हैं वो लगातार टूटे हुए हैं। जगह जगह जो बादल फटने की जो घटना है वो सामने यहाँ पर आ रही है। तो अगर मौसम बाकी माने तो तकरीबन अभी एक हफ्ता और आने वाला जो हफ्ता है वो भी कम कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड वासी उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बरसात का यहाँ पर जो आलम रहने वाला है। जी